और यूपी से एक बड़ी खबर आपको बताएं, सरकारी कर्मचारियों को यहां पर बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने 2.44 लाख की नौकरियां यहां रोकी हैं। संपत्ति की डिटेल ना देने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक डिटेल देने को कहा था, उसके बावजूद डिटेल नहीं मिली, जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। तो तकरीबन 3 लाख कर्मचारी जिनको यहाँ बड़ा झटका लगा है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुटे हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, सैलरीज यहाँ पर रोकी गई हैं? 31 अगस्त तक ये मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि वो अपनी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसका पूरा ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देंगे। लेकिन ये सब कुछ तय होने के बावजूद केवल 71% कर्मचारी जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने ही अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दिया था। उसके अलावा जितने कर्मचारी, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है। और इसमें सबसे आगे जो है वो शिक्षा विभाग के और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, औद्योगिक विकास कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। इन विभागों के ज्यादातर कर्मचारियों ने अपनी ये जानकारियां सरकार के साथ साझा नहीं की। और अब मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है, चूंकि 31 अगस्त उसकी डेडलाइन थी, 31 अगस्त से ये ब्यौरा देना था, और जिन कर्मचारियों ने ये ब्यौरा नहीं दिया है उन सभी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद संजय आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।